हेलो प्रिटी गर्ल्स। तो आज का जो वीडियो है वो मेकअप हॉल का वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा बर्थडे था, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे और ये टाइम इट वाज लाइक माय 25th बर्थडे। तो मुझे एक फ्रीडम दिया गया था घर से कि जो खरीदना है खरीदो, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड द बजट। इतना भी बजट नहीं कर सकती मैं, तो जो भी अच्छा लगा मुझे मैंने खरीद लिया। तो काफ़ी सारे चीज़ें खरीदे मैंने, तो मैं बोली कि कंबाइंड हॉल कर देती हूँ एक। तो मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट्स खरीदे, इंस्टाग्राम पेज से प्रोडक्ट्स खरीदे और एक ग्लैमर करके एक स्टोर है जो वाशी में है, 17 सेक्टर में, और बस डिपो के सामने है एग्जैक्ट, या ऑपोजिट है एग्जैक्ट। तो वहाँ से मैंने चीज़ें खरीदी। तो मैंने 3 प्लेसेस से चीज़ें खरीदे या प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। तो चलिए हॉल शुरू करते हैं। बट हॉल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए नीचे। और अब चलिए हॉल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ आपको, फिर हम लोग आगे जाते हैं एक 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 करके। तो अमेजोन के सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स खरीदे मैंने। मेरे पास एक्चुअली बॉक्सेस भी रखे हुए हैं अभी तक। आई होप आपको एड्रेस ना दिखे। तो ये दोनों डब्बे हैं, और भी डब्बे थे आई गेस। ये मेरे लास्ट 2 डब्बे हैं, जो लास्ट के 2 प्रोडक्ट्स आए थे ना, तो उसके लिए ये 2 डब्बे बचे हुए हैं मेरे पास, इसलिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये डब्बे, क्योंकि फेंके नहीं थे मैंने। अभी मैं फेंकने ही वाली थी तो उस तरीके से। और मैं सारे प्रोडक्ट्स का जो प्राइजेस रहेगा वो यहाँ कहीं पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बिकॉज मुझे खुद याद नहीं है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैं लाइक दिसंबर मिड से खरीदते जा रही हूँ या दिसंबर स्टार्टिंग से खरीदते जा रही हूँ प्रोडक्ट्स, तो मुझे याद नहीं है इस हद तक प्रोडक्ट्स का दाम। तो आई एल मैंशन दैम समवेयर ऑन द स्क्रीन। तो पहला प्रोडक्ट ये है, ये आई लैशेस है। आई होप आप देख सकते हो इनको। तो ये है, मैं ओपन करती हूँ आपको। तो काफी अच्छे है आईलैशेस, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज देम नाउ। एंड सेकेंड ये प्रोडक्ट है एले गर्ल का सेटिंग स्प्रे है ये। तो ये है, बहुत छोटा है, लाइक इतना सा ही है, और 30 ml का है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30 ml का है करके। तो ये एक मैंने ख़रीदा है। और नेक्स्ट ये कलर बार का लिपस्टिक ख़रीदा है मैंने। मुझे ये काफ़ी टाइम से ख़रीदना था, बट पता नहीं किसी ना किसी तरीके से मैं ख़रीद नहीं पाती थी इसको, तो ये टाइम मैंने ख़रीद लिया है। इसका नाम है फील द रेन मैट लिपस्टिक। तो ये कलर बार फील द रेन मैट लिपस्टिक है। तो ये रेनी सीजन में लॉन्च हुआ था, जब इंडिया में रेनी सीजन था तभी ये लॉन्च हुआ था। तो ये ऐसा है, और ये आपको दिखाती हूँ एक मिनट में। देखिए पूरा इस पे रेन के ड्रॉपलेट्स है सारे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो। बहुत प्यारा है इसका पैकेजिंग। मुझे काफ़ी टाइम से ख़रीदना था बट किसी तरीके से मैं ख़रीद नहीं पाती थी, और ये लिमिटेड एडिशन था तो मैंने आखिर में इनको ख़रीद ही लिया। देखिए इस पर भी है बट शायद आपको ना दिखे। तो काफ़ी प्यारा शेड है, इस शेड का नाम डैम्प है, आपको दिखे ये डैम 006 है शेड का नंबर। और अब ये स्किन लॉजिक्स का सिरम है। मैंने काफ़ी सुना है हीना से, हीना जो मेरी यूट्यूब फ्रेंड है उससे काफ़ी सुना है इस सिरम के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्राई करती हूँ मैं एक बार, देखती हूँ कैसा है करके। तो लेट्स सी, क्योंकि मेरा बहुत टैनिंग हो जाता है क्योंकि मैं बाहर जाकर आती हूँ हर रोज़, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्राई करूँ, तो इसलिए मैंने ये भी ख़रीद लिया है। अब नेक्स्ट जाते हैं ग्लैमर के प्रोडक्ट्स के ओर। ग्लैमर करके एक शॉप है 17 सेक्टर में, जो आई डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाल दूंगी, बट वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है डेपो से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट्स अब मैं दिखाने वाली हूँ आगे।
तो आप ज़रूर वो शॉप जाइए और ज़रूर प्रोडक्ट्स खरीदिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सिवाना के भी प्रोडक्ट्स हैं, मिस क्लेयर के प्रोडक्ट्स हैं, लैकमे, मेबिलिन, हर हर टाइप के प्रोडक्ट्स, इवन नायका के प्रोडक्ट्स भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे। मैंने सोचा कि आपको ये प्लास्टिक दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं इस पर शायद एड्रेस लिखा हुआ है 19 बिग स्प्लैश सेक्टर 17 वाशी, और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। वैसे मैं एग्जैक्ट एड्रेस और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो। तो अगर आप वाशी में या नवी मुंबई में कहीं पर रहते हैं आसपास, तो आप यहां से भी खरीद सकते हो प्रोडक्ट्स जो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा, वो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा, तो इसलिए ये टाइम मैं सब मेंशन कर रही हूँ कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे। जैसे अमेजोन से वो 4 प्रोडक्ट्स खरीदे, अभी जो दिखा रही हूँ प्रोडक्ट्स वो ग्लैमर स्टोर से खरीदे, और नेक्स्ट जो दिखाऊंगी उनका भी पूरा मेंशन करूंगी डिटेल्स आपको। तो सबसे पहले मैंने ये मिस क्लेयर का बेक्ड आई शेडो खरीदा, ये देखिए बेग्ड आई शेडो खरीदा, ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये 8 नंबर शेड में है, 8 नंबर शेड में है, तो बहुत ही प्यारा शेड है ये, और ये बेग्ड आई शेडो है। मेरे पास अभी तक कोई भी बेग्ड आई शेडो था ही नहीं, मतलब लाइफ में मैंने बेग्ड आई शेडो ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्राई किया जाए, तो इसलिए मैंने ये खरीदा। अब सेकेंड प्रोडक्ट मैंने मिस क्लेयर का ही खरीदा है, जो कि मिस क्लेयर पर्ल आईलाइनर है। मेरे पास ऑलरेडी है मिस क्लेयर का पर्ल आईलाइनर, बट मुझे ये शेड चाहिए था जो मुझे मिला नहीं था वो इंस्टाग्राम स्टोर से, तो मैंने ये ग्लैमर स्टोर से खरीद लिया। बहुत प्रिटी शेड है, मतलब अगर मैं इसको यूज़ करूँगी किसी भी आईलाइनर के ऊपर भी तो भी ये काफ़ी ग्लैमरस लगेगा, तो इसलिए बहुत अच्छा है ये। और नेक्स्ट अभी मैंने नायका के नेल पॉलिशेस ख़रीदे, तो ये फर्स्ट है, ये इनके कौन से कलेक्शन से है, इस पर लिखा नहीं है कुछ भी एक्चुअली। तो ये मैंने नायका का नेल पेंट ख़रीदा है, तो इसका शेड है चेरी क्रंच 190, तो ये शेड भी बहुत प्रिटी है, तो ये मैं ज़रूर, लाइट पिंक शेड है, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट ये लाइट पिंक शेड है जो कि बहुत प्रिटी शेड है, तो ये भी मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। और नेक्स्ट ये नायका का मैट नील लैकर है, जो कि लाइट ब्लू शेड में है, तो मैट नेल पॉलिशेस बहुत ट्रेंड में है आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी खरीद लूँ ये। और ये ठीक है मेरे लिए तो नहीं है, ये मेरी बहन ने ख़रीदा है ब्लेंडर कलेक्शन करके, तो ये है ब्लेंडर कलेक्शन, तो ये भी काफ़ी क्यूट क्यूट है, बहुत प्यारे हैं। मैं ओपन नहीं करूँगी बिकॉज ये मेरी सिस्टर का है, तो पर्पल है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, और एक बेज कलर का है, तो बहुत ही प्यारा है ये भी। अब ये जो है ये लास्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो कि मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर जो कि द मेकअप स्टोर इंडिया करके है, तो वहाँ से ख़रीदा है। वो इंटरनेशनल ब्रांड्स में डील करते हैं। अब जो भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो सब इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, एंड दे आर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक, और आप वो वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं उनसे जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो बट ऑब्वियसली ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं मिलते वो सब, तो वहाँ से यहाँ पर आना है, फिर वो हमको सेंड करेंगे, वो सब रहता है। तो सबसे पहले ये है टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा, तो मैंने ये मस्कारा के बारे में काफ़ी सुना है, मतलब काफ़ी 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 सुना है, और मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था इसको, बट ये मिलता ही नहीं है इंडिया में, तो कैसे ट्राई करती मैं। तो मैंने सोचा कि अभी इंस्टाग्राम स्टोर से मिल रहा है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो क्यों ना ट्राई करूँ, क्यों ना देखूँ कैसा है करके। ये काफ़ी अच्छा है मैंने सुना है, तो ये रहा उसका नाम। तो और मैंने मिनी साइज़ में ख़रीदा है, बिकॉज ये मिनी साइज़ भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 750 रुपीज़ का है ये, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए लेट्स ट्राई एंड सी कि कैसा है सच में, मुझे तो सीरियसली देखना है कि कैसा होता है करके। अब और जो है, अभी मैंने कलर पॉप के प्रोडक्ट्स
खरीदे हैं दो, तो ये है कलर पॉप का एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज पैलेट और यहाँ पे शेड नेम्स दिए गए हुए हैं। एंड माइंड यू दे आर सीरियसली ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, मैंने देखा है कैसा होता है प्रोडक्ट्स और क्या है, तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। देखिए अंदर से भी ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत क्यूट है और बहुत प्यारा पैलेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओपन करती हूँ, कितने प्यारे शेड्स है इसमें सारे, मुझे तो सबसे ज़्यादा शेड ये अच्छा लगा है। मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक एक भी शेड या कुछ भी, बस हाँ मैंने टच वगैरह किया रहेगा क्योंकि शायद मैंने ये शेड ट्राई किया था, मतलब स्वॉच किया था एक बार कि पिगमेंटेशन तो देखूँ मैं कैसा है, तो ये शेड एक मैंने ट्राई किया था क्योंकि इसका पिगमेंटेशन देखना था मुझे, तो काफ़ी पिगमेंटेड है शेड्स भी सारे। बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये शेड को लेके हूँ, ये शेड और ये वाला बहुत प्यारा है। तो और मुझे इस पैलेट के साथ ये भी मिला है, तो दिस प्रूव्स दैट दे आर ऑथेंटिक ऑब्वियसली, मुझे पता ही था कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है करके, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। बट अगर आपको जैसे प्रूफ जैसा चाहिए तो ये है, ये मिला है मुझे, ये कलर पॉप से ही डायरेक्ट मिलता है, जो कि आई डोंट थिंक कि फेक प्रोडक्ट्स में मिलता है, ये डुप में मिलता है, फेक में नहीं मिलता ये सब, तो ये भी मिला है मुझे। इस पर काफ़ी कुछ दिया गया हुआ है कलर पॉप का प्रोडक्ट्स को लेके, आई थिंक बहुत बड़ा लिस्ट है, तो ये सब मैं ना रीड करूँगी ना दिखाऊँगी अभी आपको। और नेक्स्ट मैंने ये जुल्लू का पैलेट ख़रीदा है, अगर आपने ये ब्रांड का नाम सुना होगा जूविया करके, तो ये पैलेट है, ये भी बहुत प्यारा है जब मैं ओपन करूँगी, और ये इसका बैक साइड कुछ ऐसा है, उस पर जुल्लू के बारे में लिखा हुआ है आई गेस, और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दिया गया हुआ है और लिखा हुआ है क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, तो सबसे अच्छी बात वो है कि ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं। और ये देखिए ये बबल रैप में आता है ये पैलेट भी, और उसके बाद जब मैं ओपन करूँ तो ये ऐसा है जैसा बाहर का था वैसा ही है, बस इस पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन नहीं है पीछे बैक साइड पे। और ये देखिए मैं जस्ट फिदा हो गई ये पैलेट पे जैसे इसको देखा मैंने, लेकिन वाओ ओएमजी इट्स सो लवली पैलेट, ओह गॉड, मतलब मुझे तो सारे शेड्स ही बहुत अच्छे लगे, मुझे सब ट्राई करना है। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड ये दो शेड्स को लेके हूँ, ये जो रोज़ गोल्ड शेड है वो, ये जो रोज़ गोल्ड शेड है वो, और ऑब्वियसली ये शेड, ये दोनों शिमरी शेड्स है तो ये दोनों को, और ये पर्पल, ये बहुत पिगमेंटेड लग रहा है मुझे, सो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस पैलेट एंड आई जस्ट लव इट थ्रू द पैकेजिंग ओनली। तो अब लास्ट प्रोडक्ट भी मैंने कलर पॉप से ही ख़रीदा है, तो ये है कलर पॉप का लिपस्टिक, तो मैंने इसको जिगी नाम के शेड में ख़रीदा है, आई डोंट नो आपको अगर नाम दिखेगा या नहीं, जिगी नाम के शेड में ख़रीदा है जो कि मैटेक्स रेंज से है, और ये रहा ये लिपस्टिक, होप आपको नाम, एक तो शाइन हो रहा है ये नेम, बट आई होप आपको दिख रहा हो कलर पॉप लिपस्टिक। और ये अब मैं ओपन करती हूँ एंड लेट्स सी, ये देखिए मैं नॉर्मली ब्राउन शेड्स यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, तो मैंने इसलिए सोचा कि मेरे पास बहुत सारे पिंक्स एंड रेड्स हो गए हैं, तो इसलिए क्यों ना मैं ब्राउन ट्राई करूँ, इसलिए मैंने ब्राउन शेड लिया है। और मुझे इस लिपस्टिक के साथ भी ये मिला है कलर पॉप का,
ये जिसपे पीछे ये लिखा हुआ है, और फिर से यही चीज मिला है जो बुकलेट है ये मिला है, फिर से वही सेम है जो उसमें मिला था। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स को लेके बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा जो कलर पॉप का पैलेट है और जो जुलू पैलेट है और जो मिस क्लेयर का बेक्ड आई शेडो है, मुझे वो छूने का दिल तक नहीं कर रहा है। नहीं तो मैं सोच रही थी कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको लाइक लाइव दिखाऊँ क्या क्या है, बट ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का तो मैं नहीं दिखा सकती थी एनीवेज। तो इंस्टाग्राम पे आप जरा एक्टिव रहिए अगर आपको देखना है इन प्रोडक्ट्स का स्वॉचेस, बिकॉज जैसे कलर बार का लिपस्टिक है वो मैं इंस्टाग्राम पे स्वॉच करके दिखाऊंगी, लिप्स पे, हैंड पे, जो भी है वो, और मे बी मिस क्लेयर पे एक आई शेडो का भी दिखाऊं। तो मैं एक वीडियो कर सकती हूँ जिसमें मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो आई विल बी एबल टू यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स और नॉट, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का। तो एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो भी है मेरे पास अवेलेबल, और जो नहीं है जैसे फाउंडेशन कंसीलर वगैरह तो इसमें नहीं है, तो वो मैं मेरा पहले का जो है वो यूज़ करके एक लुक क्रिएट करूँगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी वैसा वाला। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये हॉल अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए या यूज़फुल रहा हो, बिकॉज मैंने अलग अलग जगहों से ख़रीदा है, अलग अलग लोकेशन से ख़रीदा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ से क्या ख़रीद सकते हो आप। तो इसीलिए अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन नीचे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, एंड मुझे मेरे सारे सोशल मीडियाज़ पर फॉलो कीजिए। सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, और प्लीज़ एक्टिव भी रहिए इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पोस्ट डालते रहती हूँ मेरे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे अब मैंने काफ़ी कुछ डाला है मेबिलिन के लिपस्टिक्स के बारे में जो मैंने ख़रीदा था नायका के हॉल में, तो डाले हैं मैंने, तो अभी भी कलर बार का डालूंगी, या और भी अगर जैसे नायका के नेल पेंट्स है तो अगर मैं ट्राई करती हूँ मेरे फिंगर्स पे तो वो मैं डालूंगी। तो काफ़ी कुछ होता है इंस्टाग्राम पे जो कि यूट्यूब पे मैं नहीं कर पाती हूँ, यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ मैं, तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे। एंड दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स, लव यू प्रिटी गर्ल्स, बाय बाय।